बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास, हम अपने ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हम एक्सरसाइज 7 कर रहे थे, तो आज इसमें हमने करना है टैक्स के, जनरल टैक्स, जनरल सेल टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स पढ़ना है आज हमने। इनकम टैक्स इज़ डिफाइंड एज द टैक्स ऑन द एनुअल इनकम of a person above the limit specified by the government at the rate determined by the government। के इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो कि एक पर्सन से वसूल किया जाता है उसकी आमदनी पर, और कितनी आमदनी पर वो हुकूमत की, गवर्नमेंट जो है वो हुकूमत खुद मेंशन करती है कि जिस बंदे के पास इतनी अमाउंट है उस पर इतने परसेंट टैक्स लागू होगा। रेट भी खुद से मेंशन किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से मेंशन करती है रेट, और लिमिट भी खुद गवर्नमेंट ही बताती है कि जिस बंदे के पास फॉर एग्जांपल के 10 लाख आमदनी है जिसकी, उसको 10% टैक्स है या 5% टैक्स है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से रेट भी दिया जाता है। तो टैक्स, इनकम टैक्स जो सालाना आमदनी पे दिया जाता है उसको इनकम टैक्स कहते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन 11 आज इससे रिलेटेड करना है कि समीरा ड्रास अ मंथली सैलरी फॉर 35,000 इफ़ द इनकम टैक्स रेट इज़ 5%, कि उसकी सालाना आमदनी कितनी है, 35,000 रुपये है, और वो 5% टैक्स पे करती है। इनकम टैक्स डज शी पे इन ईयर, बताएं तो इनकम टैक्स उसने कितना दिया है एक साल में, तो ये मंथली इनकम उसकी दी हुई है। तो पहले हम लिखेंगे उसकी मंथली इनकम और टैक्स रेट। अब मंथली टैक्स निकल आएगा तो रेट को इनकम के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो वो एक माह का टैक्स निकला है, लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा है ईयरली कि सालाना टैक्स क्या होगा। तो हमने क्या करना है, जो आंसर आया है उसको फिर हमने 12 से मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि एक माह का टैक्स निकला था तो अब ये आ गया है आपके पास पूरे साल का टैक्स के 21,000 उसने पे किया है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, साद मेक्स एन एनुअल इनकम ऑफ, ये अमाउंट दी हुई है एनुअल इनकम उसकी, इफ़ ही पेस 50,000 इन इनकम टैक्स, कि अगर वो 50,000 उसमें से टैक्स पे कर देता है, व्हाट इज़ द इनकम टैक्स रेट, तो बताएं। टोटल अमाउंट गिवन है और जो टैक्स उसने पे किया है वो गिवन है, अब आपने टैक्स रेट इसमें से फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इसको, टोटल अमाउंट, टैक्स अमाउंट, रेट, फार्मूला यही होता है टैक्स निकालने का कि टैक्स अमाउंट इक्वल टू टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट। अब टोटल अमाउंट है और टैक्स की अमाउंट है, ये दोनों लिख लेंगे, रेट फाइंड आउट करना है। ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड होगा, 4040 से कट हो जाएंगे इसमें से, बाकी जो बचा है फिर ये वाली वैल्यू बच जाएगी, 5 1s are 1, 5 फिर 5 1s are 5 और नीचे ज़ीरो जो है वो भी 1 के साथ आ जाएंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.001। फिर इसको 100% में कन्वर्ट करना है, तो जिस भी वैल्यू को परसेंटेज बनाना हो आप 100% से मल्टीप्लाई करवा दें, तो आप 100% से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0.1 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे कर लें 100% तब भी ठीक है, नहीं तो इसको डिवाइड ना करें, इससे अगले स्टेप में 1/1000 मल्टीप्लाई 100% करके 0 0 से कट करके तब भी कर देंगे आंसर वही आएगा। तो आज आपने इतना ही करना है, यही आपने लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।